नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे ही है और बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि फॉर द नेक्स्ट 21 डेज आप घर पे ही रहेंगे। आज मैं आपके सामने एक नया गाना पेश कर रहा हूँ जिसका नाम है अजीब दास्तां है। ये गाना पहले मैं बजाऊंगा और उसके बाद मैं आपको उसके नोटेशंस दूंगा। ये गाना मैं जी शार्प स्केल पर बजा रहा हूँ, और इसके जो नोटेशंस है ये मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए पेस्ट करके रखे हुए हैं, आप वहाँ पे देख के मेरे वीडियो के साथ आप बजा सकते हैं। इसके बाद यही गाना यही स्टैंजास चलते रहते, तो उसमें नए पार्ट्स ज़्यादा नहीं है। तो ये गाना था, मैं अभी आपको इसके नोटेशंस बता रहा हूँ। शुरू इस प्रकार होते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में से भी देख सकते हैं। प ध सा ग रे सा ध प ध सा ग, इसमें आपको बजाने के साथ बीच में स्ट्रोकिंग भी देनी है। क्योंकि अगर ये स्ट्रोकिंग नहीं देंगे तो ऐसा बजेगा, इसको अगर आप बीच में स्ट्रोकिंग देंगे तो ऐसा बजेगा। प ध सा ग रे सा ध प प ध सा ग, प सा गे सा ध प प सा प। तो आप दोनों तरीके से बजा सकते हैं, स्ट्रोकिंग के साथ या बगैर स्ट्रोकिंग के, ज्यादा फर्क नहीं होगा उसमें। मैं थोड़ा सा स्ट्रोकिंग लेके बजाता हूं। उसके बाद है सा नि रे सा नि सा ग रे सा नि ध प मा, और ये जो सा है ये है तार सप्तक का, तो ऊपर वाला सा है ये। सा नि रे सा नि सा ग रे सा नि ध प मा, सा नि रे सा। अगर आपको ये एक साथ बजाने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको पार्ट्स में भी बजा सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पता है वो आप पहले ध का कर्ण लेके आप सा पे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा सुनाई देगा, या प का कर्ण लेके भी आप जा सकते हैं। ओके, तो ये सा
वैसे भी आप बजा सकते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आप सीधा सा भी बजा सकते हो, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल हो वो आप वैसे बजा सकते हो, और आप उसको ब्रेक में भी कर सकते हो। सो अगर आपको पूरा बजाने में तकलीफ हो रही है तो पहले सा नीरे सा उसको सही बजाइए, और उसके बाद आप नीसा ग रे सा नी ध प मा आप उसको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी थोड़ा सा एक बड़ा उसका लाइन है, और ये क्लीन आना बहुत जरूरी है, खास करके जब प से आप म में जा रहे हो तभी, क्योंकि अगर आप ये क्लीन नहीं बजेगा तो वो ब्रेक वाला गाना सुनाई देगा जो अच्छा नहीं है। ठीक है, सो आपको मैं फिर से एक बार ये गाना मैं बजाऊंगा, रे सा नी ध प ध सा रे नी सा। अभी मैं जब भी रे सा नी ध, अभी ये जो ध पे जो लैंड होता है वो थोड़ा सा फोर्स वाला लैंडिंग है, उसमें डबल टैप होना चाहिए ध पे तो वो और अच्छा सुनाई देगा। रे सा नी ध प ध सा रे नी सा, उसके बाद ग प प, इसमें ग प प मध्य सप्तक का प और मंद्र सप्तक का प, ये दोनों प है। ग प प धनी सा रे ग प प धनी सा ग रे, इसमें मैं आपको जो नीचे कमेंट्स लिखी है उसमें मैं डॉट नहीं डाल सकता हूँ स्वरों के ऊपर, तो आपको मैंने जो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान रखिए, जहाँ पे वो तार सप्तक का रहेगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वो तार सप्तक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प दो प है ग प प, तो ये प जो पहला वाला प है वो है मध्य सप्तक का, और दूसरा वाला जो प है वो है मंद्र सप्तक का। धनी सागर है, अगेन सागर है, वो रे में आप उसको थोड़ा सा फास्ट या उसको थोड़ा सा फोर्सफुली बजा सकते हैं, जिसमें से थोड़ा वो उसको एक्स्ट्रा एक नोट मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो वो टैप किया है मैंने धनी सागर है रे, उसके बाद एक तीन स्वर का अलंकार का एक छोटा सा पार्ट है, मपदा 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 गमपा 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 रेगमा 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 धनीसा, मपदा 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 गमपा 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 रेगमा 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 धनीसा, और उसके बाद मेन गाना शुरू होता है, धपा धपा गरे सागर, धपा धपा गरे सारे गरे गरे सानी दध, पप दप ग रे सप, ओके दप दप ग रे सग, दप दप ग रे सरे, गरे गरे सनी ध ध। अभी जो गरे गरे अगेन वो रे 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 जो है उसके लिए आपको फार्स उसको थोड़ा फोर्सफुली आपको रे को रखना है, गरे गरे सा नी ध नी ध, मैं गाने के टाइम पे उसको नी ध ध, बट जो ध वो नी का कण लेके है, गरे गरे सा नी ध प प ध प गरे सा प, और उसके बाद आप ये भी बजा सकते हैं पा 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 पा, ओके पा 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 पा, 10 बार पा बजाना है,
और उसके बाद एक म्यूजिक का पीस आता है छोटा सा। गे सा धप सारे गधा पधा पपा गरे सा धपधा। सारे गमा गमा गरे 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 सा। इसमें आप ध्यान रखिए कि जब म बजा रहे हो तो ज्यादा ना खुल जाए, क्योंकि अगर वो ज्यादा खुल गया म तो वो म अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। तो आप वो म जो है वो आप थोड़ा सा कम खोलिए, आप खाली 5 या 10% ही, आप जो जो फर्स्ट जो होल है वो खाली 5 या 10% ही खोलिए। अगर ये थोड़ा भी ज़्यादा खुल जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना म आपका कंट्रोल में बजे। उसके लिए आपको अलग से रियाज करना पड़े तो आप प्लीज़ उसका रियाज कीजिए, क्योंकि म एक स्वर है बट वो ज़रूरी है कि वो सही बजे। सारे गमा गमारे माँ धपा धपा मामा धपा। फिर से सारे गमा गमारे माँ धपा धपा मामा धपा। गरे सप पपा द प गरे सप। अभी जो है पपा गरे सा पपा द प गरे सप पपा द प गरे सा। सा को एक बार टैप करके फिर पहुंच जाओ। और इसके बाद फिर से एक बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटल पीस है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इसमें। सा 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 गा सा प सद सा सद मा धा मा सा पग प। इसमें जो दूसरी बात जो है पग प जो जो लास्ट वाला जो प है वो मंद्रा सप्तक का है। पग प सा सा गा सा प। ये सा गा सा प का प भी नीचे वाला प है। और जो पहली लाइन है जो सा 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 धमा, ये दो ये तीनों सा उसके तार सप्तक के हैं। सा सा धमा मा धा मा सा, ये सा नीचे वाला सा है जो शुद्ध सप्तक का है। शुद्ध मतलब मध्य सप्तक का है, सॉरी शुद्ध शुद्ध स्वर है पर मध्य सप्तक का है। सा 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 धमा मा धा मा सा पग प सा ग सा प। और उसके बाद फिर से डप मा प म ग मगरे 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 सारे ग म प द।
ठीक है। सो ये पूरा गाना था, आप उसको एक बार पूरा, आप खुद से भी एक बार पूरा गा भी सकते हैं। सो अगर ये गाना रहेगा तो आप कैसे गाएंगे? आप एक्चुअली गाना का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं गाने के साथ, जैसे जैसे आप रेगुलर गाना जो गाते हैं वैसे ही आप इसके स्वर गाइए। पद सा ग रे सा ध प पद सा ग ग ग ग ग ग ग पद सा ग रे सा ध प पद सा प प प प प प पद सा ग रे सा ध प पद सा ग ग ग ग ग ग पद सा ग रे सा ध प पद सा प प प प प सा नि रे सा नि सा ग रे सा नि ध प म रे सा नि ध पद सा रे नि सा ग प प धनि सा रे ग प प धनि सा ग रे म प द म प द ग प ग प ग प रे ग म रे ग म रे ग म धनि सा द प द प ग रे सा ग द प द प ग रे सा रे गरे गरे सा नी द नी द प प द प ग रे सा प द प प गरे सा धप ध सरे ग द प धा प प गरे सा धप ध सरे ग म ग म गरे 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 सा सा सरे ग म ग म रे म द प ध प म म ध प सरे ग म ग म रे म द प द प म म द प नि नि द नि द नि द प म प प द प ग रे स प प प प प प सद सा सद म म ध म सा प ग प प ग प सा ग सा प सद सा सद म म ध म सा प ग प प ग प सा ग सा प। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाना पसंद आया हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अगले 21 दिन तक आप घर पे रहेंगे और अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आप खुद भी बाहर मत जाइए, और आप कोई जा रहा हो तो आप उसे भी सलाह दीजिए कि वो भी घर से बाहर ना जाए, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा टफ है और हमें रियाज करना है। हमारे पास ये बेहतरीन मौका मिला है, मुझे भी वक्त मिला है आज आप सबसे आराम से बात करके एक अच्छा सा वीडियो डालने के लिए। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगे और आप ये गाना खूबसूरती के साथ बजा पाएं। और बढ़िया मौका है, 21 दिन घर पे ही रहना है, सो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स मुझे इस बॉक्स में लिख के दीजिए, और आपको कौन सा गाना जो मैं बजा सकूं, आप जो बजाना चाहें कि अब मैं बजा बजा के आपको बता सकूं, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि वो नोटेशंस आपके साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू फॉर रेफरिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।